किचन में एमिली का ऐसा रूप देखकर स्टेफनी डर जाती है। इन सब के बारे में स्टेफनी अपने बॉयफ्रेंड ब्रेट को बताती है। इसलिए ये दोनों एमिली को एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब ब्रेट एमिली को लेने आता है तो एमिली ब्रेट को अजीब तरह से घूरने लगती है। तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगती है और देखते ही देखते ब्रेट के सारे दांत टूट जाते हैं। ये सब स्टेफनी अपनी विंडो से देख रही होती है। तभी अचानक एमिली बेहोश हो जाती है, इसलिए स्टेफनी एमिली को हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं दूसरी ओर चर्च का फादर एमिली के पिता के साथ मिलकर उस बॉक्स पर लगे मिरर को तोड़ देता है, जिस पर इन्हें फाइनली उस बुरी आत्मा का नाम अबीजो लिखा हुआ मिलता है। हॉस्पिटल में जब एमिली की MRI की गई तो एमिली की मॉम स्टेफनी ये देखकर चौंक जाती है कि एमिली की बॉडी में एक डरावना साया रहता है। तभी एमिली का पिता चर्च के फादर को लेकर उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां फादर स्टेफनी को एमिली के अंदर की उस बुरी आत्मा के बारे में बताता है, जिससे स्टेफनी को उन पर बिलीव हो जाता है।